दुनिया में सभी महाशक्तियां एटम बम की वजह से एक दूसरे से नहीं उलझती। ये एटम बम ही है जिसकी वजह से नॉर्थ कोरिया जैसा अराजक देश अमेरिका जैसी महाशक्ति को आंख दिखाने की जरूरत कर पाता है। परमाणु हथियार एक तरह से बड़ी जंग को रोकने की गारंटी साबित हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन इस चलन को रोकेंगे? क्या वो नाटो और अमेरिका को पीछे ढकेलने के लिए एटमी युद्ध तक जा सकते हैं? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? जानकारों को लगता है कि पुतिन के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं और जैसे जैसे उनकी स्थिति कमजोर हो रही है वो ऐसा पागलपन भी कर सकते हैं। इसकी 5 ठोस वजह भी है। करीब महीने भर बाद भी केव पर जो कब्जा है वो अभी तक नहीं हो पाया है, हालांकि रूस ये कह रहा है कि उसकी स्ट्रैटेजी है। वहीं दूसरी तरफ प्रतिबंधों से रूस की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कई आर्थिक प्रतिबंध लगे हैं जिससे सीधा नुकसान रूस को उठाना पड़ रहा है। युद्ध से रूस की सेना को ही भारी नुकसान हो रहा है। ज़ेलेंस्की भी बार बार ये दावा कर रहे हैं कि उनके कई सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस में पुतिन की छवि पर बुरा असर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि वहीं के लोग अब सड़कों पर है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका और नाटो की रूस के खिलाफ घेराबंदी भी बढ़ती चली जा रही है। ये वो कारण है जो 77 साल बाद दुनिया में एटमी वॉर की वजह बन सकते हैं। नाटो रूस के खिलाफ नए सिरे से कमर कस रहा है, जब अमेरिकी नेतृत्व में यूरोपीय देश नए सिरे से एकजुटता दिखा रहे हैं, जब नाटो पर पुतिन को जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्या तब पुतिन अपना ब्रह्मास्त्र चलने की तैयारी कर रहे हैं? क्या पुतिन ने अपनी एटमी मिसाइलों के टारगेट लॉक कर दिए हैं? क्या रूस अपने सबसे बड़ी एटमी सबमरीन से पहला वार करने वाला है? यूक्रेन की तबाही ने दिखा दिया कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जीत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जीत के लिए पुतिन को चाहे एक हंसते खेलते शहर को सुनसानी क्यों न बनाना पड़े, लेकिन पुतिन पीछे हटने वालों में से नहीं है। यूक्रेन के पास कोई चारा बचा है वो बस निगोशिएशंस है, और निगोशिएशंस के रास्ते ही खुले हैं। पुतिन ने साफ कर दिया है कि निगोशिएशंस चलते रहे, जब तक डिमांड्स नहीं मानेगा यूक्रेन तब तक बमबारी बंद नहीं होगी। रूस की सेना यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियुपोल पर लगातार शक्तिशाली बमों और मिसाइलों से हमला कर रही है। मारियुपोल 90% तक तबाह हो चुका है, लेकिन अब भी यहाँ रहने वाले लोगों पर पुतिन कहर बरसा रहे हैं।